अल्लाह के करम से अब जो नए महीने रब्बिल सानी के चांद से नूर जमीन की तरफ आएगा, ये तमाम चीजों के लिए उस ग्रहण के असबाब जो पिछले याम में गुजरा है वो खत्म कर देगा। तभी जब रब्बिल सानी के चांद देखें, तमाम बुर्ज वाले चारों कुल को साथ साथ मर्तबा पढ़ें और कोशिश करें रब्बिल सानी से पहले या रब्बिल सानी का चांद अगर देख लिया है तो अगले सुबह गुस्ल जरूर करें। इनसे पिछले तमाम ग्रहण के नहस असरात खत्म हो जाएंगे और कामों में और चीजों में जो रुकावट हैं वो मध्यम होंगी। जैसे कि ये ग्रहण जो पिछले अयाम गुजरा है, जो रब्बिल अव्वल के मंगल के नस्ब को लगा है, अगर तमाम बुर्ज वाले रब्बिल सानी के चांद को देख के नसर मिनल्लाह व फतहुन करीब 27 मरतबा पढ़ के अपने लिए दुआ मांगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दुआ कबूल ना हो, क्योंकि ग्रहण के बाद रब्बिल सानी के चांद का वाजे होना दुआओं के कबूलियत का वाजे ऐलान है।